आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों का हिंदी का यस क्लास में जा रही हूँ। क्लास टू का लोग का चैप्टर 15 कौन बनेगा राजा। तो जैसे कि मैंने ये कहानी आपको पहले ही स्टार्ट कर दिया था, ये एक पंचतंत्र से लिया गया कहानी है, जो कि एक जंगल की कहानी है, जिसमें कि कहा गया है कि जो राजा बनने के लिए सबसे बड़ा गुण होना चाहिए परोपकार, यानी एक राजा में भी परोपकारी होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो ये एक जंगल की कहानी है जिसमें कि सेंसिंग का राज्य था, लेकिन सेंसिंग का राज्य समाप्त होने के बाद जंगल में अराजकता छा गई थी। जो मन आ रहा था वही कर रहा था, जो कोई भी नियम का पालन नहीं कर रहा था, जिससे कि जंगल में अशांति मारकाट ये फैल गई थी। तो फिर सभी जानवर बहुत ही मुश्किल में थे। तो उन्हीं में से एक जो जानवर था जिसका नाम था गोलू भालू, उसने बोला कि कोई क्यों ना हम लोग सब मिलकर एक नया राजा का चुनाव करें, जिससे कि वो हमें सेन सिंह की तरह जंगल में बात करेंगे और हमारे जंगल में फिर से शांति छा जाए। इस गोलू भालू के इस सलाह से सभी जानवर राजे में, लेकिन सबसे अधिक बड़ी मुसीबत ये थी कि राजा का चुनाव कैसे किया जाए। तो तभी जो थी सोनू मोर्नी, उसने एक सुझाव दिया कि क्यों ना हम लोग पखवाड़े यानी यहाँ पर 15 दिनों के लिए सभी जानवरों को अपने अपने योग्यता के अनुसार उन्हें उनका काम दिया जाए, और 15 दिन के बाद हमें देखना है कि जिस जानवर ने अपनी योग्यता के अनुसार सबसे अच्छा काम किया है, उसी को हम लोग जंगल का जानवर राजा बना देंगे। तो इसी के अनुसार सभी जानवर जब 15 दिन के बाद एक मैदान में एकत्रित होते हैं, तो सभी अपना अपना काम दिखाते हैं, जिसमें कि बंदर को जो काम दिया गया था वो पेड़ों में से जालों की सफाई करने के लिए, और जो सोनू हाथी को दिया गया था गड्ढों में पत्थर डालने के लिए दिया गया था, और फिर खरगोश को घास सफाई करने का काम दिया गया था। तो इस तरह से सभी जानवरों को उनके योग्यता के अनुसार काम दिया गया था, जो कि अपने 15 दिन के बाद अपना काम पूरा करके मैदान में एकत्रित होते हैं, और उसके बाद क्या होता है मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो जब एक पखवाड़ा बीत गया, सभी पेज नंबर 102 निकाले, तो सभी जानवर एक मैदान में एकत्रित होते हैं। तो जब एक पखवाड़ा बीत गया, तो सभी जानवर अपने अपने कामों का ब्यौरा लेकर एक मैदान में एकत्रित हो गए। सभी जानवर ने अपना अपना काम बड़ी सफाई और मेहनत से पूरा किया। सिर्फ सोनू हाथी ही था जिसने एक भी पत्थर गड्ढे में नहीं डाला था। तो 15 दिन के बाद सभी जानवरों ने अपने अपने काम बड़ी अच्छी तरह से किया था, और सभी एक मैदान में एकत्रित हो गए अपने अपने काम का ब्यौरा लेकर। तो सभी ने अपना काम बड़ी सफाई से की थी, लेकिन सिर्फ सोनू हाथों ने गड्ढे में एक भी पत्थर नहीं डाला था। अब समस्या उठी कि किसके काम को सबसे अच्छा माना जाए। बुद्धिमान मोनू खरगोश ने एक तरीका बताया, क्यों ना मतदान करा लिया जाए जिससे सबसे अधिक मत मिलेगा। तो फिर एक समस्या यह उठी कि सबसे अधिक बुद्धिमान किसे माना जाए। तो उन्हीं में से जो मोनू खरगोश था, उसने एक तरीका निकाला कि हम लोग मतदान करते हैं, और जिसका अधिक मतदान मिलेगा उसी को हम लोग राजा घोषित करेंगे। तो अगला दिन चुनाव के लिए तय हुआ। एक बड़े से मैदान में सभी पशु पक्षी मत देने के लिए एकत्रित हो गए। मतदान शुरू हो गया। मतदान समाप्त होने के एक घंटे पश्चात मतों के गिनने का काम शुरू हो गया। तो अगले दिन क्या हुआ, चुनाव तय हो गया, और एक बड़े से मैदान में सभी पशु पक्षी क्या एकत्रित हुए, और वहीं पे मतदान शुरू हो गया। मतदान समाप्त होने के एक घंटे बाद फिर गिनने का प्रक्रिया शुरू हो गया। यह क्या, मतों की गिनती में सोनू हाथी सबसे आगे चल रहा था। जब मतों की गिनती समाप्त हुई, तो सोनू हाथों सबसे अधिक मतों से विजयी हो गया। बाकी सभी जानवर एक दूसरे का मुँह ताकते रह गए। तो फिर जब मतों की गिनती हुई, तो उसमें से क्या दिखाया गया कि सोनू हाथी की गिनती में सबसे अधिक चल रहा था, और जब गिनती समाप्त हुई तो सोनू हाथी का मत जो सबसे अधिक था, इसलिए वो विजय हो गया, और बाकी जो जानवर थे वो निराश हो गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी पक्षीराज गरुड़ वहां उपस्थित हुए और सभी जानवरों को संबोधित कर कहने लगे, सोनू हाथी पत्थर लेकर गड्ढे तक तो जाता था, किंतु जब उसने देखा कि गड्ढे में मेरे अंडे रखे हुए हैं, तो वह पत्थरों को गड्ढे में ना डालकर तो
क्या वह पक्षी जो गरुड़ पक्षी है वहीं पर आया और उसने जानवरों को संबोधित करते हुए कहने लगा कि सोनू हाथी, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि उसे क्यों सोनू हाथी को क्यों विजय करा दिया गया। इसका कारण यह है कि उस गड्ढे में मेरा अंडा था और जब वो पत्थर लेके गड्ढे में जाता था तो उसने देखता कि उसमें मेरे अंडे हैं, इसलिए वह गड्ढे में वो पत्थर नहीं डालता था। फिर है आपका नेक्स्ट पेज 104। पास ही जमीन प्रकृतित करता रहा तो वहाँ पर गड्ढे में वो पत्थर ना डालकर वहीं पास में वो जमीन में पत्थर एकत्रित करते रहा। सोनू ने अपने राजा बनने के लालच को छोड़कर एक जीव को बचाना ज़्यादा उपयोगी समझा। तो सोनू हाथी ने क्या सोचा कि चाहे मैं राजा बनूँ ना बनूँ, लेकिन अगर मैं इसमें पत्थर डाल दूंगा तो इससे वो अंडे टूट जाएंगे और उस गरुड़ पक्षी के बच्चे जो है मारे जाएंगे। इसलिए उसने अपना राजा बनने के लालच को त्याग कर उसने जीव को बचाना अधिक उपयोगी समझा। उसकी परोपकार की भावना को देखकर सब पक्षियों ने मिलकर यह तय किया कि जो अपने लालच को छोड़कर दूसरों की सुख दुख का ध्यान रखे वही सच्चे तौर पर राजा बनने के अधिकारी है। तो उसी की परोपकार को देखकर सभी पक्षियों ने मिलकर यह तय किया कि जो अपने सुख दुख को त्याग करके दूसरों की सुख दुख को ध्यान रखे और उसी को वही सही सही में राजा बनने का अधिकारी है। वन में पक्षियों की संख्या पशुओं से अधिक थी, अतः चुनाव में सोनू हाथी भारी मतों से जीत गया। और वन में क्या थी, पक्षियों की संख्या पशुओं से अधिक थी, इसलिए चुनाव में सोनू हाथी की भारी मतों से जीत हो गई। तो आप लोग का ये जो चैप्टर है यहीं समाप्त हो गया। तो मैं आप लोगों को कुछ मीनिंग्स का अंडरलाइन करने जा रही हूँ, कुछ वर्ड्स को, कुछ शब्दों का पहले ध्यान दीजिए। जैसा पहला है आपका शेर सिंह, समाप्त, जंगल राज, अराजकता, अशांति, गंदगी, मुश्किल, राजपाट, जंजीर, स्वर, सहमत, समस्या। फिर है आपका पखवाड़े, सुझाव, योग्यता, गड्ढा, सफाई, सौंपा, पखवाड़ा मैंने पहले भी करवाया, एकत्रित, बुद्धिमान, मतदान। फिर है आपका मैदान, चुनाव, पश्चात, विजयी, मुंह, उपस्थित, पत्थर, गड्ढे। फिर है आपका जमीन, लालच, उपयोगी, परोपकार, पशुओं। तो इस तरह से मैंने जो भी आपको अंडरलाइन कर किया है इसका आप लोग इसका अर्थ याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा के तौर पर दिया हुआ है, परोपकार की सदा जीत होती है, अतः परोपकार के काम किया करो। तो इसमें किससे क्या पता चलता है कि परोपकार की हमेशा जीत होती है, अतः हमें परोपकार के लिए काम करना चाहिए। तो आप लोगों का पाठ यही समाप्त हो गया है। तो मैं आप लोगों को इससे जीवन मूल्य से रिलेटेड मैं कुछ आप लोगों को बताऊंगी। तो जैसे यहाँ पर है जीवन मूल्य दिया हुआ है परोपकार, तो वही दिया गया है कि जिससे इस कहानी से तो पता चलता है कि एक जंगल में एक राजा की सबसे बड़ी जो मतलब जो जो महत्व होता है वो जो गुण होता है वो परोपकारी होना। तो इसमें जिस तरह से दिखाया गया कि एक जो हाथी था वो मतलब गरुड़ पक्षी के अंडों की जान बचाने के लिए कि उसमें गड्ढे में पत्थर नहीं तोड़ता है डालता है, क्योंकि उस समय उसे लगा कि किसी की जीवन की रक्षा करना राजा बनने से अधिक बड़ा काम है, इसलिए उसने उस गड्ढे में पत्थर नहीं मिला, यानी उसने अपने लालच को त्याग करके परोपकार का काम किया, ठीक है। तो इसी तरह से हर व्यक्ति को भी परोपकारी बनना चाहिए।
फिर मैं आप लोगों को सरदार बताऊंगी। तो जो पहला है एकत्रित जमा यानी जमा करना, बुद्धिमान होशियार पश्चात भाग में विजयी जीता हुआ उपस्थित हाजिर उपयोगी लाभदायक। तो इस तरह से जो शब्दार्थ है आपकी किताब में दिया हुआ है, तो आप लोग को ये सारे शब्द आपको याद करना है और स्पेलिंग के लिए आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया है। इससे रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल है मैं आप लोगों को बाद में भेजूंगी। तो आज के लिए मैं अपनी क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।